हल्दी नमक मिर्च सब डाल दिए दोस्तों। अब ये हमारा भुजिया तैयार हो गया है और साग नमक डाल देते हैं और साग बन के हमारा रेडी है। देखिए परी और परी मम्मी साग निकल परी तो निकाल रही कि ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाई और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग और देहाती ब्लॉग्स 2.0 में आप सभी को स्वागत करते हैं। और आज के ब्लॉग्स में आप लोग देख सकते हैं हम लोग गंधारी साग ले आए हैं दोस्तों सुबह सुबह। देखिए इधर गंधारी साग है दोस्तों, ये रहा लाल और हरे गंधारी साग है दोस्तों। इसको हम लोग गंधारी साग ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। क्या जी? हाँ जी। और इसको देखिए परी और परी की मम्मी निकाल रही है, परी को स्कूल भेज रहे नहीं जा रही है ना रे परी? हाँ। जाएगी स्कूल। और इधर दोस्तों हम लोग खाने चढ़ा दिए, चावल सिझ रहे, देखिए इधर। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिए और देखिए। और इधर हम लोग दोस्तों भात चढ़ाए हुए हैं और बाबू और परी देखिए, बाबू है बढ़िया से बैठो ना रे बाबू, बढ़िया से बैठो पंडित जी जैसा। और इधर बाबू रात का रोटी और सेवई जो बचे थे दोस्तों वो सब दोनों भाई बहन खा रहे हैं मिलके। देखिए परी तो पढ़ने जाती नहीं, इसको बोलते हैं जा बेटी पढ़ने रे, नाम ही नहीं लेती पढ़ने का। बाबू काहे नहीं जाएंगे? बोलती होटल में काम करेंगे। बोलो होटल में काम करना है कि पढ़ना है? परी पढ़ेंगे तो जा, तू भी जा। देखिए बाबू ठीक अपना दिमाग से जाता है लेकिन ये परी नहीं जाती। फिर के बजे आएगा बाबू? 3 बजे। 3 बजे? हाँ खा लो बढ़िया से। सब दो। हाँ भैया को दो, भैया को दो, भूखे भैया, भूखे जाना पड़ता है। इधर दोस्तों हम लोग को फिर से चूल्हा टूट गया है देख सकते हैं इधर, क्योंकि बारिश हो जाता है बीच बीच में दोस्तों। और इधर बगल में बकरी है तो बकरी आके ढूस देता है दोस्तों, तो हम लोग को चूल्हा नुकसान हो जाता है। तो इधर भात चढ़ाए हुए परी की मम्मी गई है पानी लाने चापाकल। तो परी पढ़ने नहीं जाएगी तो होटल में लगा देंगे काम करने के लिए, जूठा बर्तन धोने और प्लेट धोने। बोलो क्या करेगी? हा? होटल में काम करेगी, पढ़ेगी? पढ़ेंगे। तो नहीं जाती पढ़ने? दे दो भैया, दे दो बाबू, ये नहीं खा पाएगी, ले लो ले लो थोड़ा सा बाबू, दे दो परी बाबू को भैया को, लो दे दो। देखिए परी और परी मम्मी साग निकल, परी तू निकाल रही कि नष्ट कर रही है? देखिए इधर गंधारी साग है दोस्तों, ताजे ताजे हरे हरे। कौन कौन खाए होंगे ऐसा साग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको निकाल रही है अच्छी तरह से क्योंकि दोस्तों बरसात का समय चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा रहता है। क्या जी? इधर अदन लग, और हम लोग का लकड़ी भी खत्म हो गया ना, पहाड़ी का लकड़ी भी भींग गया होगा, क्या करें। बाबू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है बाबू। 5 रुपया रखना, पैसा नहीं है ज़्यादा, दे दो। दे दिए जी पैसा? तो देखिए 10 रुपया रोज घूस लेके जाता है पढ़ने ये बच्चा। क्या बाबू किसी से झगड़ा नहीं करना, ठीक है? ये परी कहाँ के लिए पैसा? परी को मत देना, नहीं जाती है पढ़ने में। क्या ये खाने लगा बाबू? स्कूल में ले जा खाता ना पैसा, कि 3 बजे आएगा ना भूखे हो जाए। मिलता है खाना ना बाबू वहाँ पर? खाना मिलता है ना बाबू? खा लेना भर पे, थाली लिया है थाली, ठीक है। तो दोस्तों इधर हम लोग को खाना बन रहा है देखिए, और टपा टप बारिश भी होने लगा है, कहीं हम लोग को दिक्कत नहीं हो जाए। चूल्हा भी धस गया है जी, भीगने के कारण चूल्हा। हाँ भीग जाता है, उसके बाद गरम मतलब चूल्हा धराते हैं तो उससे फट जाता है। और दोस्तों हम लोग को चावल भात बन गया है, साग चढ़ा दिया है, आलू के भुजिया कटिंग हो रहा है देखिए पतले पतले साइज में, और इधर साग चढ़ा दिए हैं। चूल्हा ढसने वाला जी, जल्दी खाना बना के। देखिए दोस्तों साग भापने दिए हैं, भाप रहा है साग, पानी दे दिए थोड़ा सा, पानी खत्म हो गया। ये चूल्हा हम लोग को देखिए फट गया है दोस्तों, क्योंकि नीप देते हैं और गर्मा गर्म में चूल्हा जला देते हैं, क्या ठाए नहीं रहता कच्चा कच्चा चूल्हा में फट गया है।
आज आज अच्छा से मतलब नीप दीजिए बढ़िया, ठीक अच्छा से इसको मट्टी धास देंगे, फिर से मट्टी देंगे। हाँ बढ़िया धास के एकदम बढ़िया बनाइए। यार इधर भुजिया कटिंग हो रहा है दोस्तों, अब परी है सो लगा ले भी भुजिया काटने में। हाँ साग सीख गए हैं, इसको डब्बू से खास देंगे और धोएंगे। भुजिया धोवा रहा है दोस्तों, आलू का भुजिया दो तीन पानी से धोएंगे, इसमें मिट्टी का अंश ज़्यादा रहता है ना, लाल आलू है ना जी। हाँ जी। परी अरे आलू बर्बाद कर रही है। ना छोड़ दो छोड़ दो। इधर साग भफा के दोस्तों इधर थाली में रख लिए हैं, इधर भुजिया भी फ्रेश करके देखिए लेकचे में रख दिए, और परी है सो देखिए आलू काट के बर्बाद कर रही है, साग भूंज रहे हैं दोस्तों इधर। नमक डाल देते हैं और साग बन के हमारा रेडी है। तो आइए दोस्तों आप लोग जो नजदीक में हो साग भात खाइए, भुजिया भी बनाएंगे अभी हमें इसके बाद। परी साग बना के दोस्तों हम लोग रख लिए हैं, अब भुजिया के लिए देखिए मिर्चा का पचफोरन, हाँ सेव ले आइए सामने दी, पूरा फ्रेश करके धो लिए हैं भुजिए दोस्तों। मेरा मिर्चा का पचफोरन हो गया जी, जल्दी डाल दी। तो देखिए दोस्तों आज हम लोग साग भात भुजिया बनाए हैं, ज़्यादा कुछ बनाए नहीं है। आज भी मौसम दोस्तों देख सकते हैं एकदम पूरा बादल बादल है, पूरा अंधेरा छाए हुए है, लगता है आज भी बारिश आएंगे यहाँ पर। हुआ जी हल्दी नमक मिर्च सब डाल दिए दोस्तों, अब ये हमारा भुजिया तैयार हो गया है और साग भी तैयार होकर रखा गया है दोस्तों, इसको भी उतार दीजिए। आज हम लोग साग भात भुजिया खाएंगे दोस्तों, और दोस्तों आज के ब्लॉग्स में हम लोग साग भात भुजिया बनाए हैं, और हम लोग कोशिश किए हैं दोस्तों पूरा शॉर्ट शॉर्ट करके दिखा दिए हैं, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाते हैं ना दोस्तों, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाएं, तो आप लोग बुरा मत सोचिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए हम लोग बढ़िया से आज ब्लॉग्स नहीं बना पाए होंगे, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।